गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल का चैप्टर नंबर 2 तीत पढ़ेंगे। तीत मीन्स होता है दांत। चलिए शुरू करते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड गणपत। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। कल मैंने गणपत से कहा। टू क्लोज हिज आइज एंड ओपन हिज माउथ। अपनी आँखें बंद करो और अपने मुँह खोलो। ही मस्ट हैव taught to himself it's the लड्डू विच इज राउंड। उसने सोचा कि मैं उसे लड्डू दूंगी। क्विकली आई काउंटेड हिज टीथ। मैंने जल्दी से उसके दांत गिन लिए। द टीथ इन हिज माउथ। मैंने जल्दी से उसके मुंह के अंदर में जो दांत थे उसे गिन लिए। लुकिंग एट देयर स्ट्रक्चर एंड टोल्ड हिम ए नॉन मिथ। और उसके जो स्ट्रक्चर थे दांत के उसे भी मैंने देख लिया। लड्डू आई विल गिव श्योर आई विल। फर्स्ट लेट मी काउंट योर टीथ विथ इन देन द लड्डूज यू विल विन। लड्डू जरूर मैं तुम्हें लड्डू दूंगी पर पहले मुझे अपने दांत गिनने दो। फ्रंट टीथ बाइट मिडिल टीथ टियर Chewing is done by teeth which are rear. Front यानी कि सामने के दांत काटने का काम करते हैं। Middle teeth चीरने का काम करते हैं और जो चबाने का काम भी करते हैं। चलिए अब इसमें जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर उसको देख लेते हैं। If someone is eating a banana, which teeth help in cutting and grinding a banana? यहाँ बोला गया है कि कौन से तीत बनाना को काटने और उसे ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। फ्रंट तीत हेल्प इन कटिंग। आगे के तीत बनाना को काटने का काम करते हैं। एंड मिडिल तीत ग्राइंडिंग ए बनाना। और बीच के तीत उसे ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। हाउ डू यू नो द टेस्ट ऑफ फूड। आपको फूड यानी भोजन का जो टेस्ट होता है स्वाद होता है वो कैसे पता चलता है। वी नो द टेस्ट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टंग। हमें भोजन का स्वाद जीभ की सहायता से पता चलता है। वी ईट द फूड बाय क्रीविंग इट वेल। टीथ हेल्प इन क्रीविंग द फूड। भोजन को चबाने में दांत हमारी सहायता करते हैं। यही इसमें दिया हुआ है। काउंट द टीथ। चलिए दांत गिनते हैं। लेट्स फाइंड आउट। चलिए खोजते हैं। हाउ मैनी टीथ आर देयर। कितने टीथ हैं। टेल ए पर्सन टू ओपन हिज माउथ। किसी व्यक्ति को उसके मुंह खोलने के लिए कहिए। नाउ काउंट द टीथ वन बाय वन। अब एक एक करके उसके दांतों को गिनिए। फर्स्ट काउंट द टीथ विच आर इन द अपर जॉ। अपर जॉ मीन्स ऊपरी जबड़ा होता है बच्चों। सबसे पहले आप ऊपरी जबड़े के दांतों को गिनिए। देन काउंट द टीथ विच आर इन द लोअर जॉ। अब नीचे के जबड़े में जो दांत हैं उनको भी गिन लीजिए। नाउ टेल। अब बताइए। हाउ मैनी टीथ आर देयर इन द अपर जॉ। अब आपको यहाँ लिखना है कि जिस व्यक्ति के दांत आपने गिने उसके ऊपर जॉ यानी कि ऊपरी जबड़े में कितने दांत हैं। सेकेंड दिया हुआ है हाउ मैनी टीथ आर देयर इन द लोअर जॉ। यहाँ आप लोग को लिखना है कि जिस व्यक्ति के दांत आपने गिने उसके निचली जबड़े में कितने दांत हैं यानी कि लोअर जॉ में कितने दांत हैं। हाउ मैनी टीथ आर देयर इन ऑल अपर एंड लोअर जॉ। अब यहाँ अपर जॉ और लोअर जॉ में जितने भी टीथ हैं उसको काउंट करके लिखना है। फिल इन द टेबल गिवन बिलो आफ्टर काउंटिंग द टीथ ऑफ द पर्सन गिवन। अब अलग अलग पर्सन्स के जो टीथ है उसको काउंट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि माई टीथ अपने खुद के दांतों को आपके अपर जॉ में कितने टीथ हैं लोअर जॉ में कितने टीथ हैं उसको गिन कर लिखना है और फिर उसको टोटल करके लिखना है। माई फ्रेंड्स आपके किसी फ्रेंड का भी आप लोग गिन के लिखिएगा। इल्डर्स किसी बड़े का लिखिएगा। टू टू थ्री ईयर्स चाइल्ड किसी बच्चे के ऊपर जो लोअर जो के जो टीथ हैं उनको काउंट करके लिखिएगा। और यहाँ फिफ्थ नंबर में आप किसी का भी गिनकर लिख सकते हैं। नाउ टेल द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अन एडल्ट एंड यू।
अब यहाँ आपको लिखना है कि आपके और किसी एडल्ट यानी कि किसी बड़े इंसान के दांतों में क्या अंतर है। इज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड योर फ्रेंड्स इक्वल। अब यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि क्या किसी 2 ईयर चाइल्ड और आपके फ्रेंड के दांत बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि बराबर हो, तो आप लोग यहाँ पर नो लिखेंगे। हाउ मैनी टीथ फेल, कितने दांत गिर गए। ए बेबीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। एक बच्चे के दांत को हम लोग मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत या फिर टेम्परेरी टीथ यानी कि अस्थाई दांत कहते हैं। जेनरली देयर टीथ फेल बाय द एज ऑफ 12 to 13। जनरली क्या होता है, उनके दांत जो बच्चे होते हैं उनके दांत 12 से 13 साल की एज में गिर जाते हैं। इन द प्लेस न्यू टीथ ग्रो, और जिन जगहों के दांत टूटते हैं वहाँ नए दांत आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, जो नए दांत आते हैं उनको हम लोग परमानेंट टीथ यानी कि स्थाई दांत कहते हैं। हैव यू मिल्क टीथ फैलन, क्या आपके दूध के दांत गिर गए हैं। हाउ मैनी टीथ है फैलन अप टिल नाउ, अभी आपके कितने दांत गिर चुके हैं उसको यहाँ पर लिखना है। आस्क योर फ्रेंड इफ एनी ऑफ हिज टीथ है फैलन, अपने किसी दोस्त से पूछिए कि उसके क्या उसके कोई दांत गिरे हैं। एंड हाउ मैनी है फैलन, और पूछिए कि अगर गिरे हैं तो कितने दांत गिरे हैं। वॉट स्टक कलेक्ट सम ईट एबल्स लाइक जेरीज चॉकलेट ए पीस ऑफ ब्रेड और फ्रूट, नाउ ईट देम वन बाय वन। आप लोग को कुछ जो खाने की चीज़ें उनको कलेक्ट करना है, जैसे कि जेली चॉकलेट ब्रेड और कुछ फल, अब उन्हें एक के बाद एक खाना है। वॉट स्टक ऑफ योर टीथ, जब आप उन्हें खाते हैं तो आपके दांतों में क्या क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है। इफ सम इट बेल्स स्टिक्स टू योर टीथ हाउ डू यू टेक इट आउट। लेयर ऑफ टीथ, अब जो टीथ में जो लेयर होते हैं बच्चों उसको हम लोग देखेंगे। व्हेन यू गेट अप, जब आप सोकर उठते हैं। फिल योर टीथ विथ योर टंग, तब अपने जीभ से अपने दांतों को देखिएगा छूकर। डू यू फाइंड ए थिन लेयर ऑन योर टीथ, तब आप पाएंगे कि आपके दांत में एक पतली सी लेयर आपको महसूस होगी जब आप जीभ से अपने दांत को छूकर देखेंगे तब। आफ्टर ब्रशिंग द टीथ अगेन फेल देम विथ योर टंग इफ द लेयर हैज़ बीन रिमूव्ड और नॉट। अब आप लोग ब्रश करके देखिएगा, ब्रश करने के बाद फिर से अपने जीभ को अपने दांतों को छूकर देखिएगा जीभ से, तब आप क्या पाएंगे। हाउ डू यू क्लीन योर टीथ, जब आप दांत कैसे साफ करते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। वाई आर यू टोल्ड टू गार्गल आफ्टर हैविंग फूड चॉकलेट और स्वीट, क्या आप चॉकलेट खाने के बाद या कोई मिठाई खाने के बाद कुल्ला करते हैं, यहाँ पूछा गया है। स्पीक एंड सी, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो स्पीक देम आउट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलने से हमारा जो जीभ होता है वो हम दांत को छूता है, तो यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं उसको आप लोग बोल कर देखिएगा और ये देखिएगा कि कौन से वर्ड को बोलने से आपका जीभ आपके दांतों को छूता है। बच्चों यहाँ हमारा ये लेसन समाप्त होता है, एंड होता है इसका। इस लेसन का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।